आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है असम में कनिष्क के रीन में माहयान सेक्ट बना था बुद्धिज्म में मिनेंडर वन फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग थे जिनको बुद्धिस्ट में कन्वर्जन हुआ था केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है कंट्रोल करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल रिलेशन आज के सवाल है व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंडिविजुअल नहीं बताना है टोटल अर्थ का डेंसिटी एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल नहीं विच स्टार्स रिप्रेजेंट्स कौन सा स्टार कौन सा स्टार तारा रिप्रेजेंट द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा अभी चिप्स के शॉर्टेज चल रहे हैं ये कंट्री काफी न्यूज में है फॉर्मोसा

प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं लॉजिक क्या है लिंग्विस्टिक भाषा फॉर्मेट क्या है दैट इज सिंटेक्स एग्रेगियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन सम बैड वे पेडेंटिक मतलब ओवरली कंसर्ड है छोटी छोटी चीजों पे माइन्यूट डिटेल्स एंड फॉर्मलिज्म जार्गन जार्गन मतलब जैसे किसी ट्रेड का या फिर किसी फील्ड के कुछ पेट वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज होती है वोकेबुलरी होती है जो पिक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर ट्रेड प्रोफेशन ग्रुप होता है जैसे आई टी फील्ड में यूज कर सकते हैं कि इसका पी सिंटेक्स क्या है बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या लगा है आई सर्वर प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा सो दीज आर जारगन्स नाउ ये आज के टॉपिक्स हैं मॉनिटर साइंस ऑफ सर्च बिफोर दैट इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग रखना है और ये जो शब्द आते हैं ना इनको इन यूज भी लीजिए इन यूज वोकेबुलरी भी करिए कि बस शब्द आते हैं बट आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं इन यूज वोकेबुलरी भी स्ट्रेंदन करना है सो so ये वेव एक्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स कास्टिंग स्पेल मॉनसून मॉनसून मैजिक दिस इज अबाउट फ्लाइंग सिख ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज अबाउट हरित मरुभूमि डेजर्टिफिकेशन चेक करना अरावली है और यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हाई लेवल डायलॉग डेजर्टिफिकेशन का भी हम देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अडेप्टशन टू अयर ऑफ डिस्ट्रप्शन इंडियन एयरफोर्स नया बैच अभी एयरफोर्स अकेडमी देन दिस इज साइकिलिंग मिक ट्वेंटी वन को रिप्लेस करना जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन देन दिस इज एन एस ए एंड एस सी ओ टॉक्स हेल्थ वर्कर ईरान के नए दिस प्रेसिडेंट इलेक्ट दिस प्रेसिडेंसी, और जानेंगे कि ईरान में वर्क कैसे करता है ईरान में ईरान में थियोक्रेसी है विल गेट टू नो देन दिस इज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते हैं ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल है स्पाइडर्स हैं और जैसे हमारे यहाँ ये लॉकस्ट फॉर्म आया था ऐसे ही अमेरिका में ये सिकाडाज आ रहे हैं देन दिस इज कोल्ड वॉर रैलिक नाटो लाइफ इज अ मैराथन विल गेट टू नो अबाउट

सेंटर ने कहा कि कॉम्प्लासेंट नहीं होना है कॉम्प्लासेंट मतलब हम परवाह नहीं कर रहे हैं गैर परवाह लापरवाही हो रही है हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हमने कोविड से विक्ट्री ले ली है डोंट बी कॉम्प्लासेंट एंश्योर कोविड नाइनटीन नॉर्म्स आर फॉलोड सारे स्टेट्स एंड यूटीज में मॉनिटर करो जैसे सेकेंड वेव आई मार्च से इसके साइंस दिखने चालू हो गए थे ब्यूरोक्रेसी इतना ज्यादा वाई ब्यूरोक्रेसी कॉट ऑफ गार्ड स्लीप कर रहे थे वाई तो इसके जो साइंस है ना इसको अर्ली स्टेजेस में ही मॉनिटर करके कंट्रोल करना है थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक को एक्ट अगेंस्ट दोज हु डॉक्टर्स डॉक्टर्स दिस इज स्टाफ हुई अगर इनका असोल्ट हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी दिस टॉलरेट नहीं करना है देन दिस इज असम टू अप्लाई पॉपुलेशन नॉर्म एन एच आर सी है दिस इज कास्टिंग अ स्पेल मॉनसून मैजिक है सी डार्क क्लाउड्स हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर गुवाहाटी में स्पेल नो राइज इन ब्लैक मनी इन स्विस बैंक ऐसा एक स्टेटमेंट आया है नेशन बिड्स फेयरवेल टू फ्लाइंग सिख नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ये बहुत टॉप एथलीट रहे हैं इन्होंने काफी लॉरल्स और कंट्री का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल अरिना में तो नेशन बिड्स फेयरवेल टू फ्लाइंग सिख इंटरनेशनल गोल्ड्स की बात करें तो 58 एशियन गेम्स में जीता ये प्राइमरली 400 मीटर रेस में रन करते थे पार्टिसिपेट करते थे 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता बेस्ट रेस में इनका टाइमिंग आया 45.6 सेकंड्स इन रोम ओलंपिक्स 1960। इतिहास को कलम से नहीं कदम से लिखा मिल्खा so सिंह पे इनको ऑनर किया जा रहा है राजस्थानी सी काफी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए प्लांटेशन जरूरी होता है तो वेमेन प्लांट कर रही है सैपलिंग्स इन तारा नगर ब्लॉक वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ड्रॉट मतलब सूखा अगर वृक्ष नहीं होते हैं पेड़ नहीं होते हैं तो वहां पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी आती है कुछ ही दिन पहले हमने देखा था ट्रीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ट्रीज बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सोशल सर्विसेज करते हैं सो ट्रीज आर एसेंशियल फॉर अवर सस्टेनेबिलिटी हरित मरुभूमि है चेक डेजर्टिफिकेशन इज द आइडिया तो यहाँ बात है कि जैसे हमने पढ़ा चिपको आंदोलन या फिर राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रीज़ को एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली मानती है ट्रीज सेक्रेट ग्रुप्स हैं यहाँ पे। क्रूशल इंटरकनेक्शन है ह्यूमैनिटी और नेचर में ट्री एक सेपरेट पार्ट है फैमिली कॉन्शियसनेस का सो दिस इज़ गुड यहाँ पे लिविंग टुगेदर ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली एवरी इशू जो रिलेटेड होता है प्लांट का ट्री का लीव्स का क्लाइमेट का एंटायर इको का वो जनरेट करता है एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड एम्पावरमेंट तो जागरूकता लाना है और ट्री से रिलेटेड एसोसिएटेड एवरी एस्पेक्ट में वी नीड टू पुट सम कंजर्वेशन एफर्ट बिकॉज ट्री इज अ पार्ट ऑफ फैमिली लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर अब कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा 17 जून को हाई लेवल डायलॉग हुआ डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट का यूनाइट नेशन्स प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे स्पीच भी हुआ था लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है जैसे जोग्राफी में हम पढ़ते हैं बीहड़ बन गए चंबल के बीहड़ है तो वो जो जमीन है वहाँ पे बट वो जमीन उपयोग की नहीं है उस जमीन पे आप खेती नहीं कर सकते उस ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें आप नहीं प्रोक्योर कर सकते हैं प्लांटेशन नहीं होगा तो वो वेस्टेज होता है लैंड डिग्रेडेशन तो हमारी कोशिश ये होती है लैंड डिग्रेडेशन को रिकवर करें मेन रीज़न जो होता है डेजर्टिफिकेशन जैसे जो रेगिस्तान है या फिर जो मिट्टी है वो सैंडी ज़्यादा बन रही है उपजाऊ नहीं है तो उसको बोला जाएगा डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन इज ऑन राइस क्यों बिकॉज वाटर इरोजन विंड इरोजन ह्यूमन मेड सेटलमेंट्स वेजिटेशन डिग्रेडेशन सैलिनिटी खारापन और ये कुछ कारण है कि इंडिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है तो हमें ज़रूरी है हम इन सब पे चेक करें बिफोर इट्स गेट टू लेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 15.3 को चेक करें नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेरिस अग्रीमेंट है उसमें हमने मेंशन किया है लैंड डिग्रेडेशन को दूर करना देन यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट दिस डेजर्टिफिकेशन ये भी एक बॉडी है जो एक्टिवली वर्क कर रही है डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने का कुछ ही दिन पहले हमने साहेल का मैप देखा था जब बोको बोकोहरम पढ़ रहे थे तो जो ये साहेल रीजन है अफ्रीका में यहाँ पे ऊपर सहारा है सहारा के नीचे वाला है साहेल रीजन तो यहाँ पर भी ग्रीन वॉल बनाने की बात थी ताकि डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बढ़ रहा है एक्सपैंड हो रहा है इसको चेक करें हमें चेक करना है थार डेजर्ट को तो हमने क्या एफर्ट्स लगाए हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है देन नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है एम जी नरेगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इसमें हम ऐसे इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज को भी यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर से करवाते हैं Soil river में है नेशनल वॉटर शेड डेवलपमेंट है कमांड एरिया डेवलपमेंट है वाटर मैनेजमेंट है, है और सॉइल हेल्थ कार्ड भी है तो जमीन है जैसे अभी अर्थ का डेंसिटी देखा ना इसकी जो ऊपर वाली लेयर है दिस इज क्रस्ट और इसके भी टॉप में एक पतली सी लेर है जिसको बोला जाता है सॉइल तो देट इज वाई दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन लैंड डिग्रेडेशन को चेक करना फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये नेक्स्ट है टू थाउजेंड फोर्टी वन का प्रमोट करता है साइकिलिंग वॉकेबिलिटी सी अब जो नई शहर भी बन रहे हैं ना वहाँ ये चीजें ज्यादा ध्यान दी जाएगी साइकिलिंग वॉकेबिलिटी ताकि एक्सरसाइज वगैरह भी हो और कंजेशन नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट हो एस्ट्रोनॉमी लैब्स पुरानी नहीं एस्टेब्लिश हो पाई है डिले पे है एडेप्टिंग टू अयर ऑफ डिस्ट्रप्शन सी ऑटो लॉकडाउन तो यहाँ पे इनको राइडर्स नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्होंने ऐसे अडेप्टशन किया है चेंज किया है टू अ ईयर ऑफ डिसरप्शन ने ऐसे बहुत सारे वर्कर्स को फोर्स किया है कि दे चेंज द वे दे डू देयर बिजनेस नजफगढ़ लेक एन ने बोला ये जो मेके डाटू डैम प्रोजेक्ट चल रहा था इसको ओके okay मिल गया है फाइल फोटो कर्नाटका गवर्नमेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस आर स्टिल पेंडिंग एन ने प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दिए

अब यहाँ एयरफोर्स अकेडमी में डुंडीगल में इनकी पासिंग आउट परेड थी फोकस जो हुआ वो एक तो मिग ट्वेंटी वन जो है इसके क्रैशेज बहुत होते हैं तो यहाँ अपडेट्स एंड रिप्लेसमेंट आर इम्पोर्टेंट देन जो इन्फ्यूजन है नीच टेक्नोलॉजी का और कॉम्बैट पावर रेडीनेस का ये भी जरूरी है एयरफोर्स में जैसे आर्मी का मॉडर्नाइजेशन है ऐसे एयरफोर्स का भी मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्ड है अन एरियल व्हीकल जो है ये नेक्स्ट बिग थिंग बनेंगे देन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज है रडार यूज है एनिमी का जो एक्टिविटी है उसको हम आइडेंटिफाई करें बियॉन्ड विजुअल रेंज हमारी ये जो मिसाइल्स हैं इनको और अपग्रेड करें तो दिस इज द थिंग जो रेगुलर पायलट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट बट टेक्नोलॉजी भी आने वाले टाइम पे बहुत हो रही है जो प्राइवेट और रिपीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ करें सी बी एस सी में ये स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर डोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान एन एस एट वट एंड एस सी यू मीट इन दुश्मन नेक्स्ट वीक लेट एस सी नो मीटिंग शेड्यूल बिटवीन द टू ऑफिशल्स मिस्टर डोबल लेटे इंडिया एब्सटेंड हुआ रिजोल्यूशन ऑन म्यांमार म्यांमार में कू हुआ है्यूमन राइट्स वायोलेशन है इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेंड किया बिकॉज ड्राफ्ट की कुछ बातों से इंडिया अग्रीमेंट में नहीं था एन एच आर सी एंड दिस इज बेल हियरिंगन दिस इज न्यूज और ये है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन पैनल बिगिन वर्क सी डी लिमिटेशन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है

क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में आंसर एक्ट अगेंस्ट दोज हु हेल्थ वर्कर्स होम सेक्रेटरी ने कहा कॉल्स फॉर एफ आई आर और फास्ट ट्रैकिंग ऑफ केसेस करें केवल थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट पॉपुलेशन ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है देन दिस इज ऑल इज क्वाइट नो बज ओडिशा डब्ल्यू एच ओ होपिंग फॉर मोर डोजेस फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैन पोएट्री कम्स टू द रेस्क्यू ड्यूरिंग द पैंडमिक ये जुडिशरी चीफ राइसी विंस ईरान प्रेसिडेंसी। ईरान के ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे सी ये इनका नाम है ये काफ़ी अल्ट्रा कंजरवेटिव क्लरिक माने जाते हैं तो ऐसा भी अभी एक्सपेक्ट स्पेक्यूलेशन हैं कि सऊदी और ईरान में फिर से यहाँ पे टस्सल दिस वॉर जो है ये और हिटन अप हो सकता है इलेक्शन जो हुए उसमें टर्न आउट बहुत कम था लोवेस्ट था इन हिस्ट्री ऑफ ईरान तो क्या ये इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी को बता रहा है ईरान में अगर हम देखें तो ईरान में थियोक्रेसी चलती है थियोक्रेसी मतलब रूल ऑफ रिलीजन शिया क्लर्जी और इस शिया क्लर्जी को बैक करती है पैरामिलिट्री फोर्स जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उसमें तीन हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लोकल काउंसिल बट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एलिमेंट्स है ना इनके पास ज्यादा पावर नहीं है सारी जो पावर होती है वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान एयोतुल्ला अली खामिनी के पास है फाइनल से होता है इनका हर मैटर रिलेटेड टू ईरान में तो ये जो है दिस न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ये फेवरेट है लॉयलिस्ट है प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर अयोतुल्ला खामिनी के बट ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव भी हैं तो लेटेस्ट सी अब ईरान की फॉरेन पॉलिसी कैसे होती है ईरान के साथ यूएसए का न्यूक्लियर डील का भी अभी बातें चल रही थी देन यमन ओमान यहाँ पे दिस प्रॉग्जी वॉर भी चलती रहती है सऊदी और ईरान की देन इसराइल और गाजा एंड हमास के बीच में जो भी फाइट हुआ था सेवन डे वॉर ईरान का उसमें क्या से था रॉकेट्स क्या सप्लाई हुए थे तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी अब यहाँ पर चेंज होने वाली है अफगान प्रेसिडेंट रिप्लेस टॉप मिनिस्टर तालिबान एडवांस किम भी है नॉर्थ कोरिया के ये भी अपनी पोजिशन स्ट्रेंद कर रहे हैं फलस्तीन साउदी अरेबिया ने हाउति ड्रोन हाउती ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया इबोला आउटब्रेकियाजेशन ने बोला जैसे अभी कोविड है ना ऐसे ही पहले इबोला चल रहा था इबोला दिस अफ्रीका

प्रोसेसिस मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है तो हम उसको आर्टिफिशियल कुछ दे रहे हैं तो मेनी पीपल आर देयर हु कैन नॉट इवन स्पीक ओके जैसे स्टीफन हॉकिंग थे तो बर्ड सॉन्ग अभी कैप्चर हुआ बर्ड का जो आवाज है उसको मॉडल किया गया वोकल ऑर्गन को और उससे रिलेटेड इन्होंने टेक्नोलॉजी एज इट इज उसको न्यूरल एक्टिविटी वगैरह मैप करके पिच वॉल्यूम टेम्बर सब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो ये अब आगे हेल्प हो सकता है वोकल प्रोस्थेसिस में बाईपासिंग बैरियर इसमें क्या है कि जैसे हमारा ब्लड है फिर ब्रेन है ब्रेन में न्यूरॉन्स वगैरह न्यूरल एक्टिविटी भी हो रही है तो जो ब्लड और न्यूरॉन्स के बीच में एक्सचेंज होता है ना ये बड़ा डिफ़िकल्टी चैलेंज आ जाता है तो यहाँ एक इन्होंने बायपासिंग बैरियर करके एक दिस फाइंड किया है स्टडी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल एम एफ एस डी टू ए ओमेगा थ्री इज अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूदन आउट हो जाएगा ब्लड और ब्रेन के बैरियर में ब्लड खून और ब्रेन के बीच में जो ये एक्सचेंज है वो इससे हेल्प होगा सीडिंग जाइंट दिस इज अबाउट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है मिलियन और इवन बिलियन टाइम्स ऑफ सन साइज के हैं सेंटर ऑफ गैलेक्सी में मिला है सोलर मासज में ये शायद पहले भी एग्जिस्ट हो रहे थे इस टाइप की स्टडीज आती रहती है दिस जॉन सुपर मैसि ब्लैक होल ब्लैक होल से इवन लाइट भी पास नहीं हो पाती है आर यू स्टेपल राइस एंड वीट लूजिंग देयर न्यूट्रिय योर स्टेपल राइस एंड वीट लूजिंग न्यूट्रिय अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज सोशोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिय की डिफिशंसी है माल न्यूट्रिशन है इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन की भी हम बात करते हैं तो बात यह है कि जो स्टेपल राइस और व्हीट है दे आर लूजिंग देयर न्यूट्रियन पॉइंट इज कि हमने मास प्रोडक्शन तो कर लिया राइस का भी और व्हीट का भी पहले प्रोडक्शन कम था हमने हाई इल्ड वेराइटीज भी लाई बट ये जो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन तो उसमें अकॉर्डिंगली उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए थे बट न्यूट्रिएंट्स नहीं बढ़े मतलब राइस तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बट वो राइस में न्यूट्रियट कंटेंट कम हो गया है स्टेपल राइस एंड व्हीट तो ये जो डिप्लीटिंग ट्रेंड है कि ग्रेन डेंसिटी जिंक और आयरन और राइस व्हीट में कम हो रही है तो इससे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी कहने को खूब खाना पीना अच्छे से खा रहे हैं बट वहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिशन की सो दैट इज़ बाय फूड फोर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट अब ये डेफिशियसी क्यों हो रही है बहुत सारे रीजनस है एक तो डायलूशन इफेक्ट है कि हमने हायर ग्रेन यील्ड तो ले लिया बट कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम हो गया जैसे पहले एक किलो में दस ग्राम कुछ मिलता था न्यूट्रियट्स बट ये एक किलो प्रोडक्शन को हमने सौ किलो कर दिया बट ये अकॉर्डिंगली दस ग्राम से सौ ग्राम ही हुआ ज्यादा बढ़ नहीं पाया अकॉर्डिंगली तो इससे क्या हुआ डायल्यूशन हो गया सेकेंड यह है कि सॉयल क्वालिटी अगर डिप्लीट होती है तो न्यूट्रियट्स नहीं मिल पाते देन दिस इज अबाउट डॉग लैंग्वेज नाउ फॉल्स इन लाइन ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड डॉग पैटर्न एनालिसिस स्टडी दिस इज अबाउट स्टडी कैनाइन कल्चर के बारे में बताया बिहेवियर स्पाइडर्स जो होते हैं स्पाइडर्स के क्या ऐसे जैसे इनका जो फीट होता है वो ऐसे चिपक वॉल पे भी चल लेते हैं तो वो क्या स्टिकी होता है एक रीज़न ये है कि स्टिकी नहीं होता एक्चुअली में वो जो होता है जो स्पाइडर्स होते हैं एडहेसिव पैड्स नहीं होते स्टिकी नहीं होता फ्रॉग और लिजार्ट की तरह इनमें एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हेयर्स होते हैं ब्रांच्ड हेयर्स होते हैं ये जो हेयर्स होते हैं ना ये इनको अलग अलग हर एक हेयर का अलग डिफरेंट शेप हो सकता है क्वालिटी हो सकती है अरेंजमेंट हो सकता है और दे आर वेरी फाइन एंड बिकॉज कर पाता हैर मिलीमीटर थिक हंड्रेड वन मिलीमीटर थिक बहुत सारे हेयर्स है जो स्टिक होते हैं एफ ए क्यू अब ये न्यूज है रो ओवर स्टडी ऑन बैट वायरसेस इन नागालैंड कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा था यहाँ एक स्टडी हुआ जो वायरस है वो जूनोटिक टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है तो जो स्टडी हुआ वो ये था कि ये जो वायरस का स्टडी हुआ है ये क्या पूरे प्रोटोकॉल से फॉलो होके हुआ है इंडियन एजेंसीज को कॉन्फिडेंस में लिया था बिकॉज अगर स्टडी के वक्त कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो जैसे वुहान लैब है वायरस ऐसे स्पिल भी हो सकता है तो रो ओवर स्टडी ऑन बैट वायरस इन नागालैंड इसमें बहुत ज्यादा डिवेल्प नहीं करना है द डिबेट अराउंड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अगेन कोविड रिलेटेड है देन डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट आ गया है अगेन कोविड रिलेटेड सी विद दिस ये क्या है ये है काइंड kind ऑफ of जैसे लॉक्यूस्ट अटैक हुआ था ना कुछ टाइम पहले इंडिया में लास्ट ईयर बहुत सारे स्वॉम्स आ गए थे टिड्डे ऐसे ही बहुत सारा स्वम इनका आ रहा है ये पीरियडिकल स्पीशीज है इनका कुछ गेस्टेशन पीरियड तेरह सत्रह साल होता है लाइफ साइकिल तो ये ऐसे जमीन में ही रहती है आफ्टर थर्टीन सेवनटीन जब फेवरेबल कंडीशन होती है अचानक से बहुत ज्यादा इनकी ब्रीडिंग होने लग जाएगी और इनका अपियरेंस आ जाएगा ये हो रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यू में स्वाम्स लॉकिस्ट का भी इंडिया में सिमिलर अटैक हुआ था ये जो इनकी साइकिल है ना तेरह सत्रह वाली ये भी चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज सो दिस इज अबाउट अ बज विद सिकाडास अब इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी ड्वेल नहीं करना है दीज आर जस्ट लाइक जो पेस्ट अटैक होते हैं क्लाइमेट चेंज जो होता है साइकिल चेंज हो रही है उसकी और ये हो रही है यूएसए में हमारे यहाँ के लिए ये जो इससे मिलती जुलती स्पीशीज दो हैं एक तो मेघालय में मिलती है और दूसरी नीलगिरी हिल्स में मिलती है अब दिस इज डेल्टा प्लस वेरियंट अब सी वन मोर वेरियंट इज देयर लेट्स वेट दिस इज कोविड एंड दिस इज नागालैंड एंड बस ये बात है कोल्ड वॉर का आपने प्रिपेयर किया नोट कोल्ड वॉर पे कोल्ड वॉर जो था यूएसए और दिस यूएसएसआर में था तो इसमें ना ना यूएसए ने एक नाटो नाटो टाइप का मिलिट्री ग्रुपिंग बनाया NATO जो है ना, ये बड़ा सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अटलांटिक अटलांटिकन है ये नॉर्थ अटलांटिक है इधर यूएसए हो गया इधर यूरोप हो गया तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलायंस ये बनी थी 1949 में 12 अलाइड पावर्स थे काम इनका यही था कि जो सोवियत आर्मीज एक्सपैंड कर रही हैं उसको आप चेक करो ओके सो दिस वाज देयर पर्पस कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो नाटो ने अपने को सिक्योरिटी डिफेंस और दूसरी चीजों में इवॉल्व किया पहले था कलेक्टिव डिफेंस अब कलेक्टिव अब सिक्योरिटी हो गया कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि नाटो के किसी एक मेंबर पे अटैक मतलब पूरे ग्रुप पे अटैक अब बात हो गई पूरे ग्रुप की सिक्योरिटी करनी है टेररिज्म वगैरह ऐसे करके इन्होंने एक्सपैंड किया मैंडेट अफगान वॉर में भी इनका नाटो का रोल था अलायंस जो था ना इसमें प्री डोमिनेटली यू होता है तभी ट्रंप ने कहा पूरा फाइनेंस चेक तो यूएसए देता है तो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो नाटो मेंबर्स भी इसको कुछ पेमेंट करें तो यूएसए भी अगर इतना पेमेंट कर रहा है तो उसमें यूएसए का मतलब है यूएसए का मतलब है एक तो वो नाटो के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पावर प्रोजेक्शन करता है अपनी हेजेमनी बनाए रखता है और एक सिक्योरिटी तो है ही तो अब बात यह है कि नाटो भी अपना रिलिवेंस क्या खो रहा है जी सेवन में इन्होंने बोला नाटो अब मतलब रशिया नहीं अब चाइना इज अ न्यू थ्रेट अब चाइना इज अ न्यू थ्रेट तो इधर यूएसए है और इधर यूरोप है और चाइना के तो यूरोप से अच्छे टाइज है तो यूरोप क्या अब अपना सेम लेवल पे दिस कमिटमेंट दिखा पाएंगे नाटो में यूरोप कंट्रीज यूएसए को तो चाइना का थ्रेट है तो यूएसए का पर्पज है बट यूरोप को चाइना से बहुत ज्यादा फायदा है तो यूरोप जो है ना वो क्या वो स्टेड पहले की तरह नाटो को डील करेगा नाटो के साथ रहेगा लेटेसी यूरोप वैसे भी एजिंग हो रहा है इकोनॉमी इसकी डिपेंड करती है चाइना पे तो ये जो अटलांटिक अलाइंस है क्या ये इतना रेलेवेंस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हो पाएगा इस अपकमिंग टाइम पे बिकॉज रशिया था तब बात अलग थी रशिया वॉज अबाउट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बट जो चाइना है ना यहाँ पे बात आ जाती है इकोनॉमी की पैसे की तो जब इकॉनॉमी आती है ना तो बाकी सारी चीज़ें बैकसीट ले लेती है यूरोप क्या डिसीजन लेगा लेटेस्ट सी उट द मैन हु रीबिल्ड माइक्रोसॉफ्ट अच्छा स्टेटमेंट है मैराथन ऐसा नहीं होता कि स्कूल में से टेंथ में नंबर खराब हो गया तो एक एग्जाम नहीं निकला का, तो क्या सब खराब हो गया नो लाइफ इज नॉट sprint. लाइफ इज अ मैराथन लाइफ मैराथन है ये बहुत मौके देती है लाइफ आपको फिर से राइज करने के जैसे की है नडेला का एग्जाम्पल सत्या नडेला सीओ विल नाउ शेप द विजन ऑफ द कंपनी एज इट चेयरमैन ऐसी ये जो 2013-14 का टाइम था ना टेक्नोलॉजी चर्न चल रहा था इसी टाइम पे गूगल का राइज हो रहा था और एप्पल तो ठीक कर ही रहा था देन जो माइक्रोसॉफ्ट था ना वो बिकॉज मोबाइल गैजेट्स ज्यादा आ गए तो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रगल करने लग गया यही टाइम था जो इसके पहले के सी थे स्टीव बामर उन्होंने नोकिया को परचेज किया फिर नोकिया से ये विंडोज ओ लेके आए एक लुमिया करके फोन आया था परचेज दिस फोन आए लाइक टेक्नोलॉजी अलॉट सो ये जो लुमिया फोन था वर गुड बट इनका ब्रांडिंग वगैरह नहीं हो पाया एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो फ्लॉप हो गया तो ये जो टाइम था ना ये टाइम माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था और इस टाइम पे आए सत्या नडेला और अब माइक्रोसॉफ्ट अगेन टॉप कंपनी है कंपनी अबाउट कुछ से टाइम टू टाइम सवाल पूछना चाहिए कि, कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वैल्यू सिस्टम है वाई डू वी एग्जिस्ट

बिकॉज uh, जैसे ये जो सर्वर्स होते हैं स्टोरेजेस होते हैं फैसिलिटीज़ होती है इनमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं तो ये बात है कि जैसे दिस अमेजन का वेब सर्विस भी है इनके बड़े बड़े दिस सर्वर्स हैं एमिट करते हैं बहुत ज़्यादा ये दिस ग्रीन हाउस गैसेज सो द पॉइंट इज कि ये जो बढ़ रहा है ना डिजिटल सर्च इससे इतना ज़्यादा अमेजन नहीं होगा ये ग्रीन पावर कंपनी ने बोला फ्लिपकार्ट आइज टू टू थ्री मिलियन कस्टमर्स थ्रू ग्रॉसरी हिंदू so आगे न्यूज है दिस स्पोर्ट का और मिल्खा सिंह नेशन बिड्स फेयरवेल टू फ्लाइंग सिख अब आता है इंडियन एक्सप्रेस इंडिया पार्क एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मीट हो सकता है एससीओ में से भी पॉज कर रहा है फोर थाउजेंड करोड़ दिस पीएनबी हाउसिंग डील को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये घडियाल है फोर्टी फाइव इज ऑफ वेट ओडिशा में ये हैचलिंग्स आए देखिए कुछ दिन पहले हमने देखा था घड़ियाल एलिगेटर क्रोकोडाइल इसका घड़े जैसा शेप है तो ये घड़ियाल है उड़ीशा ऐसा इकलौता स्टेट है इंडिया का जहाँ घड़ियाल भी मिलता है मगर में मिलता है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे घड़ियाल नहीं मिल रहे थे बट अब महानदी रिवर पे सतकोसिया रेंज पे फिर से हैचलिंग्स बनाई गई है सो दिस इज अबाउट घड़ियाल देन सी ये डेंडूगल में पासिंग आउट परेड थी एयर चीफ मार्शल है आर के एस भदौरिया सारे चीफ के नाम आपको पता होना चाहिए आर्मी चीफ कौन है एयरफोर्स चीफ कौन है नेवी चीफ कौन है और सी डी एस कौन है कितने रैंक कितने स्टार्स लगते हैं ये भी पता होना चाहिए आर के एस भदौरिया जी कंप्लीशन ऑफ प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइट एट एयरफोर्स अकेडमी इन हैदराबाद है देन दिस इज एम जी नरेगा डिमांड सीज शार्प फॉल इन मे फ्रॉम ईयर बिफोर लिगे है प्रोडक्शन रैमडॉप दीज मैनी जेब्स अवेलेबल होंगी जुलाई में अब अवेलेबिलिटी होगी ईजी अवेलेबिलिटी होगी वैक्सीनेशन का बैक इन मुंबई अनलॉक हो रहा है डी पी आई आई टी सेक्रेटरी कोविड ग्रे कवर है दिस इज मुंबई स्काई मानसून जी एस टी आज आज एडिटोरियल बाकी नहीं है बिकॉज संडे है म्यांमार में दिस आर्म्स एम्बागो यूएस ने कंडम किया ये हार्ड लाइनर है अब्राहिम राइसी प्रेसिडेंसी लो वोटर टर्न आउट इथियोपिया में भी इलेक्शंस हैं इंडिया ने एब किया रिजोल्यूशन व्यूज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ड्राफ्ट ड्राफ्ट में बिकॉज व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं हुए दिस म्यांमार अफगानिस्तान रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन ये किम है नॉर्थ कोरिया टाइटन्स दिस ग्रिप सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नो कम्युनिकेशन रिसीव सेंट्रम जो अभी पीएमसी बैंक था इशू हुआ था उसको सेंट्रम ने ओवरटेक कर लिया है और सेंट्रम को आरबीआई ने अप्रूवल भी दे दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज सेटअप स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिर वो ओवरटेक करेगा महाराष्ट्र पंजाब महाराष्ट्र को का देन यू एच एन आईज इन्वेस्ट डॉलर थर्टी बिलियन इन टेक्स स्टार्टअप कोर्ट ने अपोल्ड किया on on है यू एफ सी सी बैन ऑन सब्सिडीज ऑन हुआ पैंडमिक है नोशन ऑफ टाइम सेंस ऑफ कम्युनिटी दिस इज द टाइम लैंग्वेज एंड दिस इज नेवर हैविंग टू से गुड बाय द एंड इज द बिगनिंग चिल्ड्रन का भी केयर करना बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक सफरिंग रेगुलर पियर फ्रेंड्स वगैरह स्कूल्स बंद हो गए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि वो उनको कंपनी दें ट्रीट दैम एज अ फ्रेंड ज द इंडियन एक्सप्रेस अब ये गंगा रिवर है ये गंगा रिवर है इसका मैं हायर रेजोल्यूशन अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ये पूरी है गंगा रिवर गंगा रिवर सिस्टम एक आया नमामि गंगे जिसमें बात आए एक इंटीग्रेटेड संरक्षण मिशन लाए 2014 में आया था इसमें रिवर रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं हम सबको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज गंगा रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रदूषण के लिए है दिस नमामि गंगे दिस कार्यक्रम ये केंद्रीय जल संसाधन के थ्रू हो रहा है तो इसके मुख्य स्तंभ क्या है सबसे पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट को ठीक करें जो पूरा शहर का ऐसे कचरा के नदी में मिल रहा है इसको स्टॉप करें रिवर फ्रंट डेवलप करें ये रिवर है ये रिवर का फ्रंट है इधर अच्छा सा डेवलपमेंट करें सतह जो नीचे है वहां पे उथलापन आ जाता है तो नदी सतह की सफाई करें बायोडाइवर्सिटी करें फॉरेस्टेशन जन जागरण और औद्योगिक प्रवाह की भी निगरानी करें इंडस्ट्रियल वेस्ट और गंगा ग्राम भी यहां पे बात है। ये मुख्य स्तंभ है अब जब भी आपको नमामि गंगा मिले ना ये चार पांच पॉइंट फटाफट आप लिख दो इससे ये इंप्रेशन आता है कि दिस पर्सन नो की क्या टॉपिक है बैकग्राउंड पता है फिर उसके बाद आपको जो फिलर्स लिखने हैं वो आप लिखते रहो बट इमीजिएटली ये चीजें हमें लिखना चाहिए ताकि हमारा जो टोन है ना वो सेट हो जाए पेपर का आंसर्स का कि ये करेक्ट चीजें लिख रहा है यहाँ पे ये सी सेट है सी ऐसे सवालों में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन देखना चाहिए जैसे डेज ज्यादा है काउ ज्यादा है तो डेज कम हो जाएंगे इनवर्स हो गया जितने ज्यादा बैग्स हैं तो उतना ही ज्यादा टाइम लास्ट करेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ये इनडायरेक्ट हो गया तो d1 अगर एक कांस्टेंट k है b1 वन अपॉन सी वन कर दिया हमने तो डी वन सी वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू के दैट इज अ कॉन्स्टेंट डी वन सी वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू डी टू सी टू अपॉन बी टू तो डी टू आ जाएगा फोर्टी डेज यहाँ मील कांस्टेंट है सेकंड क्वेश्चन में 200 सौ चिल्ड्रन के लिए के मील कांस्टेंट था तो एक चिल्ड्रन के लिए K by 200, के बाय 200 हंड्रेड डेढ़ सौ चिल्ड्रन कितना लेंगे 150 फिफ्टी अपॉइंट टू के ये कंज्यूम हो गया अब रिमेनिंग कितना बचा के माइनस वन फिफ्टी अपॉइंट टू के वन बाय फोर के वन ट्वेंटी मैन को के चाहिए था तो वन मैन को के अपॉन वन अब इतना फूड है इतना एक मैन का रिक्वायरमेंट है तो डेज हो गए थर्टी

तो आपको बताना है सैलीन की स्पीड क्या है ओके इजी वन रॉबर्ट ट्रेवल कर रहा है साइकिल से कैलकुलेट किया टू रीच पॉइंट ए एट टू पी अगर वो ट्रेवल करता है दस किलोमीटर पर आवर से ही विल रीच देयर एट नून बजे पहुंचेगा इफ ही ट्रेवल्स एट पंद्रह किलोमीटर मतलब अलग अलग टाइम दिया है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड सो एट वॉट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट वन पी एम इन दोनों से रिलेशन विदड्रॉ करिए और उससे आप ये थर्ड जो है स्टेटमेंट सॉल्व करिए फार्मर अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन नाइन आवर्स ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट चार किलोमीटर पे और बाकी उसने बाइसा नाइन किलोमीटर में ब्रेक करिए डिस्टेंस को दोनों के वैल्यूज दिए हुए डिस्टेंस बताइए ट्रेवल्ड ऑन फुट कितना था सो so, ये सी सेट के तीन सवाल हैं ये सोल्यूशन है नमामी गंगे घड़ियाल एलिगेटर एंड क्रोकोडल एंड रिमेंबर दिस लाइफ इज अ मैराथन इट इज नॉट अ स्प्रिंट कोल्ड वॉर रेलिक है